नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमने चैप्टर में स्टडी किया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में किया था, वी नो दैट वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ये स्टडी किया था हमने। कहां पर? चैप्टर फर्स्ट में, मोशन में हमने तीन डेरिवेशन किया था, एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड हमने किया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड हमने किया था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो स्टूडेंट इसको हम यूज करेंगे यहां पर, तो वी नो दैट, ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू s, क्या होगा आपके पास, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a, ये हमारे पास क्या है s, ठीक है, क्या है s, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब देखिए स्टूडेंट, हमने अभी चैप्टर में वर्क की डेफिनेशन की थी, वर्क की डेफिनेशन में मैंने आपको क्लियर किया था कि कभी जब भी वर्क डन होगा, जब हम उस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, और जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अगर फोर्स अप्लाई हुआ और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हुई देन वर्क इज डन। अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, सपोज करो आप वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, जब आप वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वॉल की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, जब वॉल की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो इसका मतलब वहां पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। ये मैंने जो है पिछले लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर्स में ये क्लियर किया था। अगर हम हैवी लोड है, हैवी लोड को लेकर आप कुछ टाइम तक स्टैंडिंग है, 5-10 मिनट्स के लिए आप उसी प्लेस पर स्टैंडिंग है, तो दैट मीन्स देर इज नो वर्क डन, आपका एनर्जी लॉस होगा लेकिन वहां पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो स्टूडेंट यानी कि वर्क डन होने के लिए क्या कंडीशन है, फोर्स अप्लाई होने के साथ साथ बॉडी के डिस्प्लेसमेंट होना भी जो है दैट इज नेसेसरी। अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नहीं होती आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, दैट मीन देर इज नो वर्क डन। तो देखिए स्टूडेंट, हमने वर्क डन की डेफिनेशन की थी और हमने वर्क डन जो है किया था फ्रॉम वर्क, दैट वर्क इज इक्वल टू फ्रॉम वर्क डेरिवेशन, वर्क क्या था हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डब्ल्यू को हमने वर्क से डिनोट किया, एफ दैट इज अ फोर्स, और एस क्या हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है। तो अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, सेकेंड चैप्टर में हमने स्टडी किया फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यू हैव टू राइट वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आप इसको इक्वेशन नंबर वन कंसीडर कीजिए। अब यहां पर पुट वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन वन, अब आप एफ की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एस। इज इट क्लियर, समझ में आया सबको? अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एस की ऑलरेडी वैल्यू है, इसको आप इक्वेशन नंबर टू कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन टू, एस की वैल्यू आप टू में पुट करेंगे तो आपके पास वर्क डन क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए, और यहां पर आपके पास आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। अब ए से ए कैंसिल आउट हो गया, समझ में आया, ए से क्या हुआ, सॉरी यहां पर एस की वैल्यू थी ना, तो एस की वैल्यू तो हमने पुट किए, तो यहां पर आपके पास क्या आया, एम इंटू ए से ए कैंसिल हुआ, तो W इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, m, यहां पर हाफ आ गया m स्क्वेयर m b स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो, इफ u इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो देखिए आपके पास वर्क डन क्या होगा, हाफ m b स्क्वेयर, समझ में आया। अब देखिए सर, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी कंज्यूम होती है, किसी भी वर्क को करने के लिए क्या कंज्यूम होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, तो वर्क डन का मतलब क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू ई के, और ई के हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन होगा।
सबको समझ में आ गया डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रूव दैट ईके इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है, या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? मैंने इसको यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन क्या है? तो स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लेंगे, डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी को।